डेनमार्क की राजधानी के कोपेनहेगन में इसराइल के दूतावास के पास धमाके हुए हैं। दूतावास के आसपास दो विस्फोट हुए। स्थानीय पुलिस ने धमाकों के बाद घटना की जांच भी शुरू कर दी। डेनमार्क पुलिस ने बताया कि इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोटों में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस टीम घटनास्थल पर है और जांच भी कर रही है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि फिलहाल विस्फोटों की वजह का पता लगाने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए काम किया जा रहा है।